हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। 8 बजने को हैं। शनाया इधर अभी सोने में लगी हुई है। बेटू उठ जाओ, अभी आपकी नींद नहीं पूरी हुई है आज। और एक्चुअली आज मुझे जाना है कोर्ट। अचानक से प्लान बन गया, वैसे आज जाने का कोई भी प्लान नहीं था क्योंकि थोड़ा सा जो है काम पड़ गया है कुछ ज़रूरी, तो अभी प्लान बनाया मॉर्निंग में ही, तो उसी टाइम पे जाएंगे जिस टाइम पे हमेशा जाते हैं। और आप चलते हैं नीचे, चाय वगैरह पीते हैं, फटाफट जो है नहाएंगे। शनाया को भी अभी उठाना है। उठो, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखो सोते सोते हंस रही है। उठिए, आ जाओ, आओ आओ, चलो चलो चलो। शनाया का बिल्कुल भी उठने का मूड नहीं है ना। सुनाया कि नींद नहीं पूरी हुई ना, रात भर सोती रही हो। अरे कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ सुनाया को नीचे लेके, और अभी इनका मुंह वगैरह भी धुलना है। ब्रश करोगी आप? करोगी? और इन्हें देखो, अभी मैंने फैन बंद किया, इन्हें देखो कितना पसीना आ रहा है इनके बालों में। मैं बाहर टहलने जा रही हूँ, अपने गोलू को साथ में लेके जा रही हो क्या बेटू? और गाड़ी काफी गंदी है, साफ सफाई का टाइम ही नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। और आज धूप जो है अभी नहीं निकली है अच्छे से। कल बारिश का शाम को बहुत ज़्यादा मौसम था, बट बारिश हुई नहीं। मुझे लग रहा था कि जो है बारिश हो जाएगी, बट हुई नहीं। और इधर जो है रोड पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब सही लग रहा है। बेटू इसके ऊपर बैठोगी? बताओ बैठोगी? हाँ। और मक्के के पेड़ को जो है अभी खा लिया था उसने, सांड ने, बट इतना फास्ट ग्रो हो रहे हैं, देखो कितने बड़े बड़े हो गए। पूरे उन्होंने खा लिए थे नीचे से, बट बहुत जल्दी बड़े बड़े हो गए। और मिर्च का पेड़ तो भाई कमाल ही कर रहा है, देखो आप, बहुत ज़्यादा मिर्च। इतनी ज़्यादा मिर्च वाला पेड़ मैंने लाइफ में नहीं देखा ना बेटा। आपकी लाइफ कितने साल? 2 साल। से हेलो, इनसे हेलो को बोलोगी तब हाय करेंगे। से हाय, से हाय। ओके। और फिलहाल अपना ऑफिस जो है पूरा डन हो चुका है, बट ऑफिस के टूर देने की मैं सोच रहा था, चलो किसी दिन टाइम निकाल के थोड़ा डिटेल में बताएंगे। बाकी यहाँ पे इंचिटेप पड़ा जो कि मैं कल यहाँ पे लेके आया था, बट यहीं छूट गया। और ये वाला मैंगो जो है ख़राब हो गया, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ कौन से सही हैं कौन से नहीं सही हैं। ये भी ख़राब है, टीवी ख़राब हो गया। ये लोग मंगवा लेते हैं, खाते नहीं हैं, तो इस वजह से काफ़ी ख़राब हो गया। इस तरीके का खाने में बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा। शराया को भी यहाँ खाना है, लीजिए। अभी आप मांग रहे थे, अब करिए। नहीं, ले लो ले लो ले लो, शर्माओ नहीं, कोई नहीं, ले लो भाई, शर्माओ मत, ले लो ले लो ले लो लो। अभी ये हाथ तो इस वाले फ्रिज को जो है मैं हरदोई ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ खास यूज़ नहीं है। पहले मम्मी जी यूज़ करती थी, अब वो भी नहीं कर रही, तो यहाँ फालतू में पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे लेके जाऊँ। वहाँ पे ऐसे खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट चलो सही है, यहाँ पड़ा, इससे अच्छा वहीं रखा रहेगा, यूज़ में अकेले उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे।
आपको इसके अंदर बैठा लो। कैसा लग रहा है? क्यों मिटू, अच्छा लग रहा है? वो इसके अंदर बंद कर दें, बंद कर दें। कोई बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया, कोई बंद हो गया, कोई बंद हो गया, कोई बंद हो गया। अच्छा नहीं बंद करेंगे, डरो मत। चलो आ जाओ, आओ। फिलहाल फ्रीज फंस गया है, निकलना है मुश्किल। तो फ्रिज को जो है यहाँ पे सेट कर दिया है और यहाँ पे जो है नीचे बोरी लगा दी है ताकि जो है मेरी सीट प्रोटेक्ट रहे। और सही है वैसे, बट यहाँ पे जगह तो काफी ज्यादा है, बट ये इस वजह से जो है नहीं आ पा रहा था। क्या और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसे जो है फ्रिज को इसमें बांध देता हूँ किसी से, नहीं तो जो है ब्रेक लगाएंगे तो ये आगे जाने का डर है। चलो अभी बांधते हैं। चाय आ चुकी है, फिलहाल मैं नहा के रेडी हो गया हूँ और टाइम हो गया है 9:30 हो गए, तो चलते हैं जल्दी से नीचे और ब्रेकफास्ट या लंच जो भी है फटाफट करते हैं और उसके बाद मैं जल्दी से निकलते हैं। फिलहाल आज मैं थोड़ा सा जो है जल्दी तैयार हो गया, वरना जो है यहाँ से मतलब 10:15 से पहले मैं नहीं निकल पाता था। तब तक जो है खीरा आ गया, खीरा खा लेते हैं और अभी खाना भी आ रहा है तो इसे फटाफट फिनिश करते हैं। खाना भी आ चुका है और आज दो तरीके के आलू की सब्ज़ी बनी है, एक तो ये सूखे आलू हैं फ्राइड और एक है ग्रेवी वाला। चलो और चपाती, थोड़े से राइस भी खाऊँगा अभी। फिलहाल लंच हो चुका है और आज का खाना काफ़ी टेस्टी था, मतलब मज़ा आ गया। थी तो सिर्फ आलू की ही सब्ज़ी, बट जो है जो रसेदार सब्जी थी ना राइस के साथ में बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। मेरा तो मन हो रहा था मैं और खा लूँ, बट जो है मैंने अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखा और मैंने बहुत ज़्यादा राइस नहीं खाया। बट चलो टाइम हो गया है काफ़ी, तो फटाफट निकलते हैं। और सनाया पता नहीं चल रही आज कहाँ है, लाइट बंद कर दी। गाड़ी आज मुझे बहुत ध्यान से चलानी होगी, एक्चुअली पीछे फ्रिज रखा है तो अगर इसे झटका लगा तो आगे डालने का डर है। बट अभी सौरभ जो मिल जाएंगे रास्ते में तो उन्हें जो है पीछे बैठा देंगे और वो पकड़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने जाम लग चुकी है, बट अमूमन यहाँ पे जो है जाम लगती नहीं है, बट एक्चुअली यहाँ से एक जो है रोड गया है हनुमत धाम के लिए, तो उस वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत जाम लग जाता है। दो दस हो रहे हैं और मैं घर वापस आ गया हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग हरदोई पहुँच भी नहीं पाए थे, तो उससे पहले ही जो है वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे जो है जो काम होना था लगभग हो गया था। बाकी कल एक्चुअली हमें फिर जाना है हरदोई, तो बाकी मेरा फ्रिज जो है अभी भी कार में लदा हुआ है वैसे के वैसे ही, तो अब मैं कल जाऊँगा फिर से हरदोई। और अभी जो है बाइक पड़ी है वर्कशॉप पे, तो अभी मैंने कॉल की थी तो लगभग रेडी हो गई है, 3 बजे के लिए उन्होंने बोला है, तो अभी थोड़ी देर में घर जाऊंगा, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद जाता हूँ बाइक लेने के लिए। और भूख भी लग गई आज मुझे, पता नहीं क्यों आज जल्दी थोड़ा खाना खा लिया था इस वजह से जो है भूख लग गई है। फ़ोन करना पड़ेगा। सनाया की आज लैपटॉप की क्लास है, बट ये लैपटॉप के ऊपर लद रही है, मुझे लग रहा है ये जो है इसे तोड़ डालेंगी। वो तो उसके ऊपर चढ़ जा रही है, ये कर लिया, ये लो। दो गया, गया, गया। इन्हें छोड़ देंगे तो ये तो उस पे बैठ जाएंगी, पता है? देखो देखो ले लो लो, लो। पापा है कहाँ है पापा? इसे फोटो है ना उन लोगों की। पापा की तभी बोल रही है पापा, ये क्या कर दिया बेटा? ओ, मुझे चाय पीना है, मेरे लिए चाय बना लाओ। हाँ, हम बना के लाएंगे, फिर कोई ने उधर दिया ये तब लाएंगे। चाल अपनी बाइक सही हो गई है और इस मीटर ने आज मुझे परेशान कर लिया, और परेशान हो गया तब जाके सही हुआ। बट एक फ़ायदा हुआ कि मुझे न्यू मीटर नहीं डलवाना पड़ा, इसी से मेरा काम हो गया, काफ़ी पैसे बच गए। तो फिलहाल मैं घर वापस आ गया हूँ और आज आने में थोड़ा सा जो है लेट हो गया,
बाकी मेरी बाइक एकदम परफेक्ट हो गई, सब कुछ सही हो गया, और मतलब मीटर भी मेरा सही हो गया। मीटर एक्चुअली मैं मीटर को पहले भी 2-3 बार दिखवा चुका हूँ, तो उन्होंने जो है चेक नहीं किया, ऐसे कह दिया कि जो है मीटर ख़राब है, दूसरा पड़ेगा। तो कल क्या हुआ कि कल उस बंदे ने दूसरा मीटर उसमें लगाया, न्यू मीटर, बट वो भी बंद हो गया। तो फिर समझ गया कि इसकी वायरिंग में कुछ है प्रॉब्लम, तो उन्होंने वायरिंग वगैरह चेक की और फाइनली मेरा मीटर सही हो गया, मेरे 4,000 रुपये बच गया, 4,000 रुपये का मीटर था। तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ, तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। I wasn't playing.